का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नेता की तलाश शुरू कर दी है। एसएसपी ने सीओएलआईयू से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, साथ ही एसओ को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 29 नवंबर को मुस्लिम आरक्षण के लिए एआईएमआईएम की जनसभा होनी है। इसी की तैयारी को लेकर नागफनी थाना क्षेत्र के तहसील स्कूल क्षेत्र में सभा हुई। वक्ताओं के समाज के लोगों ने लखनऊ चलने की अपील की। गुलाम मुस्तफा को संबोधन के लिए बुलाया गया तो वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए इस मुद्दे पर भटक गए और मंदिर प्रकरण पर बोलना शुरू कर दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे, निर्माण करने पर हाथ तोड़ने और सिर कलम करने की बात कह दी। उनके भाषण का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। इस संबंध में गुलाम मुस्तफा से बात करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं हो सकी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। होश में आ जाए वो फिरका परस्त ताकतें, वो आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, राम सेना। जिस दिन अली की सेना निकल गई उन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। बाबरी मस्जिद हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे बुजुर्गों की बनाई गई बाबरी मस्जिद है, मोदी और योगी याद रखो। ऐसी धमकी देते हुए उन्होंने भाषण दिया, अगर तुमने मंदिर बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। पहले भी जा चुका है जेल AIMIM नेता गुलाम मुस्तफा का भड़काऊ बयान भाषण देने का मामला कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश की थी, तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। एसएसपी ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सीओएलआईयू से पूरी मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। संबंधित थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस न्यूज को